I welcome you once again, Father to Son by Elizabeth Jennings. This poem is from class 11th, second textbook, that is Snapshot. In this poem, Elizabeth talks about the relationship between father and son. एक तरह से ये जो poem है वो एक father का feelings है, एक father का संवाद है, father और सन में कन्वर्सेशन है, एक पिता और पुत्र के बीच के रिश्ते को दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है. आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फोर ईयर्स. पोएट यहाँ पे कहती है एक फादर के नज़रिया से, फादर जो अपने बेटे को समझ नहीं पा रहा है, एक साथ रहते हैं एक ही घर में एक ही छत के नीचे, फिर भी दोनों अजनबी की तरह व्यवहार करते हैं. आज के मॉडर्न टाइम में ये बिल्कुल सटीक बैठता है. आज लोग इतना व्यस्त हैं अपने जीवन में कि एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है. पिता पुत्र में भी दूरियां बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे के लिए समय नहीं है, एक दूसरे के लिए जो प्रेम, जो विश्वास, जो रेस्पेक्ट होना चाहिए वो दिखता नहीं. आई नो नथिंग ऑफ हिम, फादर कहता है कि मैं अपने बेटे को ठीक से समझ नहीं पाया, मैं उसे नहीं जान पाया, वो क्या सोचता है, वो क्या चाहता है, मैं नहीं समझ पाता. सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल. मैं कोशिश करता हूँ उसके बचपन से उसको जानने का. बचपन से वो मेरे साथ रहा है, तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे समझने का, लेकिन दुख की बात है कि मैं अभी भी अपने बच्चे को, अपने बेटे को समझ नहीं पाया कि वो क्या चाहता है, वो क्या सोचता है. येट हैव आई किल्ड, और ये जो दूरियाँ हैं हम दोनों के बीच, पिता और पुत्र के बीच में जो दूरियाँ आई है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गलतफहमी है, वो बढ़ता गया है और इसके लिए जिम्मेवार मैं खुद हूँ. एक पिता ये बात एक्सेप्ट कर रहा है, इसको मानता है कि जो कुछ भी आज मेरा पुत्र है, जो कुछ भी वो सोचता है, वो कहीं ना कहीं मेरे वजह से है, मैंने ही उसे ऐसा बनाया है, उसके लिए जिम्मेवार मैं हूँ. मैं उसको कभी टाइम नहीं दे पाया, वो क्वालिटी टाइम, एक जो समय होता है रियल में, वो टाइम नहीं दे पाया. मैं अपने बिजनेस में, अपने कामों में इतना व्यस्त था कि मैं उसे अच्छा से परवरिश नहीं कर पाया, और आज हम दोनों में दूरियां बढ़ता जा रहा है, हम दोनों में एक दूसरे के प्रति जो अजनबी की तरह व्यवहार होता जा रहा है. द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हीज एंड नन ऑफ माइन. फादर यहाँ पे कहता है कि जो मेरा पुत्र उस पौधे की तरह है, उस पेड़ की तरह है जिसको मैंने ज़मीन पे लगाया था, बोया था, और मैंने सोचा कि वो ज़मीन मेरा है, लेकिन वो ज़मीन तो मेरा नहीं था, वो ज़मीन उसका था, और मैं उसे अपना समझ के उस पे हक जमाया. मैं हमेशा से यही सोचता था कि मैं जो चाहूँगा अपने बेटे को बनाऊँगा. मैंने कभी उसकी इच्छाओं का कदर नहीं किया. मैं ये भूल गया था कि मेरा बेटा, उसका अपना लाइफ होगा, उसका अपना सोच होगा, उसका अपना सपना होगा, उसकी अपनी इच्छाएं होंगी. मैंने उसकी इच्छाओं का कदर किए बिना मैं सिर्फ अपनी इच्छाओं को उसके ऊपर थोपता गया. मैं बस ये चाहता था कि मैं जो चाहता हूँ वो करे, लेकिन मैं भूल गया था कि वो उसका अपना लाइफ है और मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता. वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, आज हम अजनबियों की तरह बातें करते हैं. एक पिता और पुत्र में वो बॉन्डिंग नहीं है.
पिता और पुत्र की तरह वो रिश्ता नहीं है, अजनबियों की तरह मिलते हैं। पिता अगर आता है कमरे में तो पुत्र चला जाता है। वो अजीब सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूरियां हैं जो बढ़ता जा रहा है उम्र के साथ साथ। हम दोनों में ये दूरी बढ़ता जा रहा है। देयर्स नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर। हम दोनों के बीच किसी तरह का समझदारी नहीं दिखता, मतलब एक दूसरे को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। शायद मैं कोशिश करता हूँ समझने का, मैं भी नहीं समझ पाया, और पता नहीं वो मुझे समझता है या नहीं। दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिज़ाइन। भले ही ये जो मेरा पुत्र है वो मेरे ही डिज़ाइन का है, मेरे ही जैसा है, रूप रंग में मेरा ही जैसा व्यवहार भी है, लेकिन वो सोचता अलग है। मेरे सामने आता है तो वो खुल के मुझसे बात नहीं कर पाता। येट वाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। मैं शेयर नहीं कर पाता उसकी फीलिंग्स को, मैं अपना बात खुल के उससे नहीं बोल पाता और ना वो मुझसे बोल पाता है। मुझे डर होता है कि मैं कुछ ऐसा बोलूँगा और बेटे को बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं उसे खुल के कोई भी बात नहीं बता पाता। ये भी मेरा एक स्वार्थ है, शायद बचपन से मैं यही करता आया। उसे अगर खुल के हर चीज़ क्लियरली बोल दिया होता तो शायद वो ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये एक स्वार्थ था और मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे और मेरे बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ाता गया। साइलेंस सराउंड्स अस। अब हम लोगों के बीच एक सन्नाटा है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। मैं कोशिश करता था हर तरह का उसकी इच्छाओं को पूरा करने का, जो भी वो मांगता था मैं उसे देने को तैयार था, हर तरह का खर्च करने को तैयार था, उसके ऊपर सब कुछ लुटाने को तैयार था, बस इसलिए कि कहीं वो हमको छोड़ के ना चला जाए। ये भी एक मेरा स्वार्थ था। ये मैं उस समय नहीं समझ पाया कि उसका अपना लाइफ है, उसको जो करना है वो तो करेगा, उसको जहाँ जाना है वो तो जाएगा, लेकिन मेरे मन का जो इच्छा है, मेरा जो स्वार्थ था, जिसके वजह से मैं उसे बिगाड़ दिया। उसने गलतियाँ की कई बार, लेकिन मैंने उसे नहीं डांटा। क्यों? क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मुझे छोड़ के न चला जाए, इसलिए मैं उसकी गलतियों को कभी भी उजागर नहीं किया। उसकी गलतियों में भी मैंने उसे कभी डांटा नहीं। वो मैं जानता था कि पैसे वो बर्बाद कर रहा है, गलत संगत में जा रहा है, गलत लोगों के साथ समय बिताता है, गलत चीज़ें खरीदता है, इसके बावजूद भी मैंने उसे पैसे दिए, इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो मेरा ही ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो बिगड़ा है। हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू रादर देन सी हिम मैक एंड मूव हिज वर्ल्ड। मैं जानता था कि वो अपना एक दुनिया बसाएगा, उसे अलग अपना एक फैमिली बनाना है। अगर मैं बचपन में ही उसके छोटे होने के टाइम ही अगर मैं ये मान लेता तो मैं उसे अलग एक अच्छा परवरिश दे पाता। तो बचपन में मैं उसके लिए जो इमोशनल था, जो स्वार्थ था मेरे अंदर, जिसके वजह से मैं अपने बेटे को बिगाड़ दिया। आई वुड फॉरगिव हिम टू सेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव। मैं अभी भी उसे माफ़ कर दूंगा अगर वो कुछ ऐसा गलती कर देता है जिससे मुझे बुरा लगेगा, लेकिन अभी भी मैं उसे नहीं डांटूंगा, मैं अभी भी उसे कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि अभी भी मुझे डर है कि कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए। और यही वजह होता है कि एक पिता और पुत्र में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाता है। पिता अपने लालच में, स्वार्थ में, एक तरह का डर में जीता है और उसका फ़ायदा पुत्र उठाता है। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। पिता और पुत्र, ये जो रिश्ता है, इस धरती पर हमेशा रहेगा, हम लोग साथ में हमेशा एक घर में रहेंगे, लेकिन हमारे बीच
मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाता है। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमें एक साथ रहना है, मिल के रहना है, और वो कैसे हो पाएगा, हमें ये प्रयास करना चाहिए। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, आजकल वो ऐसे बातें करता है कि मैं नहीं समझ पाता, तो ये मेरी गलती है। आखिर वो कौन सा भाषा सीख लिया, आखिर वो कौन से रिश्ते बना लिया, कैसे लोगों के संगत में रह गया कि वो अलग ही लैंग्वेज बोलता है, अलग ही भाषा बोलता है, और मैं वो समझ नहीं पाया। अगर मैं चाहता तो वो मैं उसे अपना भाषा सिखाता, अगर मैं चाहता तो मैं उसे अपने जैसा बनाता, लेकिन अगर वो मेरे जैसा नहीं बन पाया तो कहीं ना कहीं इसमें मेरी ही गलती है। माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, और अब ये मेरा ही दुख का कारण है कि मैं अब गुस्सा से धीरे धीरे मेरे अंदर दुख बढ़ता जा रहा है। पहले मैं गुस्सा होता था उसकी गलतियों पर, उसके जो भी वो कभी कभी बेवकूफियां करता था तो मैं उस पर गुस्सा होता था, लेकिन मैं उसे कभी डांटा नहीं, कभी उसे पनिश नहीं किया, और वही आज मेरे दुख का कारण है। वी इच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, आज हम दोनों के हाथ खाली हैं, हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है, ना वो मुझे समझ पाता है, ना मैं उसे समझ पाता हूँ। फादर और सन होने के बावजूद भी हम दोनों बहुत अलग हैं, हम दोनों के बीच कोई भी समझदारी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं कि फॉरगिव करें, माफ़ करें, लेकिन आज दूरियां इतना बढ़ गया है कि पुत्र पिता के पास नहीं आ पाता और न पिता पुत्र के पास जाता है, दोनों अपने अपने एक तरह के दूरियां जो डिस्टेंस बना दिया है, इतना बढ़ गया है, उसके चक्कर में वो दूर होते जा रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू कैन सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग फॉर नेक्स्ट।